नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विपक्ष नहीं चाहता विकास, इसलिए मुख्यमंत्री से बौखलाया विपक्ष। सदन में सभी मुद्दों पर जता रहा है विरोध। राज्य के विकास से विपक्ष है खफा, कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर किया जा रहा है मिशन 2019 पर मंथन। मानगो क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मानगो अक्षिस कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। सरायकेला जिले के उपायुक्त ने आयजा सभागार में डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा में विपक्ष सदन के भीतर सभी मुद्दों पर केवल अपना विरोध प्रकट करती है, क्योंकि वो कभी विकास नहीं चाहती है और मुख्यमंत्री ने केवल विपक्ष को आईना दिखाने का कार्य किया है। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर में कही। जमशेदपुर में आयोजित बाजीएमओ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा, जब से भाजपा की बहुमत की सरकार राज्य में बनी है, विपक्ष का केवल एक ही लक्ष्य है कि सदन को चलने नहीं दिया जाए, और इस कारण से हमेशा बड़े मुद्दों पर विपक्ष हंगामा करती है और जनहित कार्यों को करने से सरकार को रोकने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष फिलहाल हंगामा खड़ा कर रही है वो कोई मुद्दा है ही नहीं, और मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने केवल विपक्ष को आईना दिखाने का कार्य किया है, क्योंकि जब से सरकार ने स्थानीय नीति लागू की है तब से हर गरीब के साथ सरकार रोजगार पहुंचा रही है और पूरे राज्य भर में युवाओं के हाथों में रोजगार होने के कारण विपक्ष को झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष बौखला गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि देखिए, एक तो पार्लियामेंट हो चाहे वह विधानसभा हो, सेशन इसलिए आहूत की जाती है कि उस सेशन के अंदर अपनी बात को रखना, जनता के हित को बात को रखना, और यदि आवश्यकता पड़ेगा तो कोई भी विषय पर आप डेबिट करो। लेकिन आप देखेंगे लगातार से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से लेकर, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वह इस टाइप का शीतकालीन सत्र हो चाहे एक बड़ा जो बजट सत्र होता है, हमेशा से विपक्षियों का यह प्रयास रहा है कि सेशन को नहीं चलने देना, किसी तरह विरोध करके सुर्खियों में अपना नाम को जोड़ना चाहता है, सुर्खियों में रहे, मुझे तो ये लगता है। उसी पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। उनका गुरुजी बोलता था कि ताड़गाछ में एक बार चढ़ो उतरो पुलिस में बहाली, ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ के जनताओं को, यहाँ के बेरोजगार चाहे युवक और युवतियों को गुमराह करने की बात है। ऐसा कहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि स्थानीय नीति के तहत अधिकतर बेरोजगारों को, चाहे वो युवक हो युवतियों हो, रोजगार या जॉब मिल गया है या मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अपने टाइम में तो वो बोलता था ना, उसका मुख्यमंत्री जी बोलते थे, थोड़ा एक बात बोल रहे हैं। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर मिशन 2019 की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। साक्षी स्थित घालवुम क्लब में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर शाखा के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार के अलावे प्रदेश के कई नेता एवं सांसद विधायक उपस्थित थे। सभी ने मिशन 2019 की तैयारियों पर अपना विचार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए अमित कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आधार पर युवा मोर्चा मिशन 2019 की तैयारियों में चुट गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे से लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर ये कार्य समिति का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक एवं सांसद उपस्थित हैं। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्य समिति का समापन
रविवार को किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होकर युवाओं को कई दिशा निर्देश देंगे और कई घोषणाएं भी करेंगे। जमशेदपुर लौ नगरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है, ये कल तक चलने वाला है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तो कामकाजी बैठक जिसको हम कहते हैं, पहले कार्य समिति की बैठक और आज के बीच में जो हमने काम किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले, उसका एक समीक्षा लेते हैं, समीक्षा करते हैं। हम आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या क्या कार्यक्रम करेगी अपने झारखंड प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों में, उसका हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि युवा मोर्चा या पार्टी का एक रीढ़ है, एक प्राण है जिसको हम कहते हैं, आज देश के अंदर 65% से भी कहीं ज्यादा युवा रहते हैं और युवा मोर्चा का यह भी कार्यक्रम है कि हम अपने संगठन से, अपने दल से अधिकाधिक युवाओं को हम युवा मोर्चा में जोड़ें। यह कार्यक्रम भी लगातार युवा मोर्चा करते आ रही है। आज हमारा 43 है, बहुमत की सरकार तो आज भी है, लेकिन 2/3 बहुमत लेकर के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की हम सरकार बनाएंगे, यह प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स हटाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मानगो अक्षेस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिलाध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स सरकार जल्द हटाए, साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई का काम जल्द से जल्द हो। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अक्षेस कार्यालय के समक्ष पार्टी कार्यकर्ता और उग्र आंदोलन करते हुए भूख हड़ताल तक करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 4 सूत्री मांग पत्र अक्षेस विभाग के विशेष पदाधिकारी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी के निर्देशानुसार आज से ही हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जन समस्याओं को लेकर के आज से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम चालू किए हैं। हम लोग सड़क पर उतर के और उग्र आंदोलन का रूप देने का तैयारी कर रहे हैं। इससे मानगो की समस्या जो होल्डिंग टैक्स ये वसूल करने की, इनका जो गब्बर सिंह टैक्स यहाँ भी लगा दिए लोग, तो इसके विरोध में हम लोग आज आए हैं 4-5 मांगों को लेकर। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने आज आयडा सभागार में जिले के उद्यमियों संग एक बैठक की। वहीं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन अधिक से अधिक हो, इसके लिए भारत QR कोड की जानकारी भी उद्यमियों को दी। वहीं बैठक में मुख्य रूप से सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी पदाधिकारी एवं उद्यमी शामिल हुए। वहीं उपायुक्त द्वारा भारत QR से संबंधित एक जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। उधर उपायुक्त और चैम्बर प्रतिनिधियों द्वारा आदित्यपुर मुख्य सड़क पर बने दुकानों में जाकर व्यवसायियों से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और कैशलेस ट्रांजेक्शन को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की अपील की गई। भारत QR कोड एक नया मोड ऑफ पेमेंट जो कैशलेस पेमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए नगर निगम के एरिया में जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आज हम लोगों ने कैंप लगाया है आईडा ऑफिस में टाइम का भी थिएटर लाइसेंस, तो इन सभी दुकानदारों से मेरी अपील है कि वो यहाँ पर आकर अपना भारत QR कोड जनरेट करा दें और इसी पेमेंट को प्रमोट किया जाए। जो सरायकेला खरसावां के DC साहब का जो विजन है हम उसके साथ में, और चूंकि भारत सरकार भी यह कोशिश है कि भारत अब डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, जिस दिन GST लागू हुआ उसी दिन से व्यापारिक डिजिटाइजेशन हो गया, लेकिन अब चूंकि कुछ जिले में हुए कुछ जिले में, तो अब हम लोग सरायकेला खरसावां जिला, हम लोग सिंहभूम चैम्बर की ओर से हम लोग सरकार के साथ मिलकर यहाँ के जिले के कलेक्टर मिलकर सभी व्यापारियों को अवेयर कर रहे हैं कि वो डिजिटाइजेशन में बढ़े और भारत QR कोड जो है वह व्यापार करने में सबसे सुगम है, क्योंकि POS मशीन में हम लोग का 1.5% कटता भी है और इसमें मात्र 1-time बेसिस पर हम लोग कुछ पैसा देना पड़ता है और उसके बाद कुछ भी हम लोग को पैसा नहीं लगता। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस कप्तान ने साहसिक और कर्तव्य निष्ठा के लिए एक पत्रकार और एक युवक को पारितोषिक और पुष्प गुच्छ देकर आज सम्मानित किया।
वहीं उत्कृष्ट कार्य करने के एवज में चांडिल एसडीपीओ संदीप भगत, चौका, चांडिल और निमजी थाना प्रभारी समेत कुल 8 पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। बता दूं कि चौका थाना परिसर में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें छठ पूजा में साहसिक कार्य करते हुए अजय पहाड़िया नामक 14 वर्षीय युवक द्वारा शहर बेड़ाघाट में डूब रहे युवक के शव को निस्वार्थ भाव से ढूंढकर प्रशासन को सौंपा गया था। वहीं आदितपुर और चौका थाना क्षेत्र में सोना व्यवसायियों से लूट की लगातार हो रही घटनाओं के मामले में एक स्थानीय पत्रकार उपेन्द्र महतो की भूमिका को देखते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। वहीं एसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए जन भागीदारी को भी महत्वपूर्ण करार दिया। वो सम्मान समारोह था, ये चौका थाना में लूट की घटना हुई थी जेवर दुकान से। उस समय जो है हमारे पत्रकार भाई जो है उपेन्द्र जी, इन्होंने त्वरित सूचना दी और इनकी सूचना का ही प्रतिफल था कि हम लोग सौ समय घेराबंदी कर पाए और अपराधियों को माल सहित पकड़ पाए। तो जो उपेन्द्र जी का सम्मान समारोह हम लोग आयोजित किए थे, इसके अलावा एक लड़का अजय पहाड़िया है, जिसने एक डूबे हुए बच्चे के शव को खोजने में काफी मदद किया बिना किसी इंटरेस्ट के, उसे सम्मानित किया गिफ्ट देकर। इसके अलावा उस दिन अपराधियों को पकड़ने में जो टीम शामिल रही, उस पूरे टीम को हम लोगों ने आज यहाँ सम्मान दिया और पुरस्कृत किया। जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों में आरटीई कानून के उल्लंघन के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शनिवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्हें 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आरटीई के तहत ये कानून है कि जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनके अभिभावक खुद घोषणा पत्र सौंपकर अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवा सकते हैं, लेकिन जमशेदपुर के स्कूल इसे मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मिलीभगत से ये कार्य चल रहा है और इससे छात्र शिक्षा से अछूते होते जा रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि शहर के कई ऐसे स्कूल हैं जो आरक्षित सीटों पर अभिवंचित बच्चों का नामांकन नहीं कर रहे हैं और उस पर कोई न कोई बहाना बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जानबूझकर शिक्षा विभाग की मिलीभगत से की जा रही है, ताकि उन सीटों पर मोटी रकम लेकर दूसरे बच्चों का नामांकन किया जा सके, जिस पर जिले के उपायुक्त को ध्यान देना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दो मांगे हैं, एक तो घोषणा पत्र के संबंध में है। आरटी अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर अभिभावक के पास उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घोषणा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का ये जन्म है और उसके संबंध में घोषणा पत्र देकर वो बच्चे का नामांकन करा सकते हैं प्रवेश कक्षा की आरक्षित सीट पर। लेकिन जिला शिक्षा विभाग द्वारा उसको मानने से इनकार किया जा रहा है, ये क्या समझा जाए। कदमा के क्षेत्र के स्कूलों में नामांकन होता रहा है आरक्षित सीटों पर, लेकिन इस साल जब अभिभावक जा रहे हैं कमजोर वर्ग के, तो उनको कहा जा रहा है कि आप सरायकिला में जाएं, जबकि बेल्डी बस्ती से 6 किलोमीटर के दायरे में एक भी नर्सरी स्कूल नहीं है, तो क्या उनके बच्चों का नामांकन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो अधिनियम में प्रावधान है कि पोषक क्षेत्र में दूरी को माना गया, ना कि जिला को, एक जिला बदल जाए तो उसको बच्चों का नामांकन नहीं होगा। तो ये सब बातें जो सामने आ रही है, सब जाहिर हो रहा है कि कम से कम बच्चों का नामांकन हो और सीटें खाली रह जाए, और उस खाली सीटों का क्या होता है आपकी अब तक होता रहा है, ये सबके सामने। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए जेएमएम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आज वे साक्षी के आम बगान से विशाल रैली निकालकर साक्षी गोलचक्कर पहुंचे और झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान जेएमएम के जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अभद्र भाषा के प्रयोग के खिलाफ जमकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं जेएमएम के जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो पार्टी और उग्र आंदोलन कर गांव-गांव जाकर इसका उग्र विरोध करेगा। विगत दिन झारखंड विधानसभा क्षेत्र में राज के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो आप सब शब्दों का जो प्रयोग किया है, जिसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया है जो कि यहाँ पर बोलने लायक नहीं है। इसलिए ये पूरे विधानसभा से जब ये बात आप शब्द बात प्रयोग किया, इसका मतलब पूरे राज के लोगों के साथ ये जो है राज के लोगों का अपमान किया है। हम लोग
ऐसे मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देने की मांग करते हैं और यहां से छत्तीसगढ़ भेजने का भी झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करेगा। यही आंदोलन को हम लोग गांव और पंचायत और क्षेत्र में हम लोग लेके जाएंगे और उसका गांव में इसका विरोध होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध होगा। एमजीएम अस्पताल में लगातार हो रही मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है। उधर राज्य सरकार के आदेश अनुसार कुल्हान आयुक्त ब्रजमोहन कुमार देर रात एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उनके साथ एडीएम सुबोध कुमार भी थे। इस दौरान कुल्हान आयुक्त ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को फटकार लगाई और कहा कि लोगों की मौत कैसे हो रही है, इसका लिखित जवाब दे। साथ ही एमजीएम अस्पताल के बाथरूम और गंदगी को देखकर कुल्हान आयुक्त काफी नाराज हुए। आपको याद दिला दे कि एक सप्ताह में 2 लोगों की मौत हो गई है, वो भी वैसे लोगों की मौत हुई है जो खुद चलकर आए थे और उनकी लाश एमजीएम अस्पताल से निकली। हालांकि मौत के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा भी किया और डॉक्टर पर एफआईआर की मांग की। उधर ये पूरा मामला सरकार के पास पहुंचा और सरकार ने जांच शुरू कर दी। वैसे अब देखने वाली बात ये हो गई कि वाकई डॉक्टर पर कार्रवाई हो पाती है या लीपापोती कर पूरे मामले को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ सेवा में है कोई आदमी तो जान के है, हमने जबरदस्ती तो किसी डॉक्टर को रखा नहीं, ठीक है, तो उनको अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा। जब तक सरकारी सेवा में सरकारी काम करना होगा, उसमें नेग्लिजेंस बदलाव तो कहीं वट की बात नहीं है, हम लोग उसको कराएंगे ही कराएंगे। नए साल के आगमन में पूरा शहर मशगूल हो चुका है। वैसे नए साल से पहले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। वही सामाजिक संस्था YMCA ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में गांव के बच्चों ने भाग लिया और प्रभु यीशु के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं नए साल क्यों मनाया जाता है ये बच्चों को बताया गया। स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुति दी। स्लम ऑपरेट कर रही है जमशेदपुर में, स्लम से गरीब बच्चे लोग, अंडरप्रिविलेज बच्चे लोग यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग का थीम। जमशेदपुर में क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के द्वारा वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाकर वहां उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। मानगो के गांधी मैदान में क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के द्वारा वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि JAP 6 की कमांडेंट संगीता कुमारी के अलावे स्कूल के कई शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित थे। छोटे बच्चों के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने स्कूल द्वारा आयोजित कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को दिखाया। विजेताओं को स्कूल के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। वहां उपस्थित अभिभावक उनके बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे रंगारंग कार्यक्रम को अपने मोबाइल में भी कैद किए। इस वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए संगीता कुमारी ने कहा कि छोटे बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुति काफी सराहनीय है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।